सम्मानित व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा लगाकर उसकी छवि को किया जा रहा धूमिल। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में तहसील स्कूल क्षेत्र निवासी कुछ आरोपियों द्वारा एक सम्मानित व्यक्ति की छवि को धूमिल किया जा रहा है। झूठे आरोप लगाकर झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि प्रार्थी अधर अली एक सम्मानित शांति प्रिय व्यक्ति है। प्रार्थी के विरुद्ध आज एक थाना कोतवाली मुरादाबाद पर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं है। प्रार्थी का आरोप है कि कुछ व्यक्ति प्रार्थी से रंजिश रखते हैं और एक व्यक्ति शोएब अपनी मां अजीम फातिमा से आए दिन झूठे प्रार्थना पत्र दिलाता रहता है और अवैध धन की मांग करता है। इसमें पूरी तरीके से जांच कर कार्रवाई की जाए। आरोपियों द्वारा प्रार्थी के ऊपर भूमाफिया गुंडा और बदमाशी का आरोप लगाया गया है जो कि बिल्कुल निराधार है। आरोपियों द्वारा जैसा दिखाया गया है कि प्रार्थी ने ऐसी कोई भी घटना नहीं की, उसके बावजूद भी कुछ पत्रकारों द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध भूमाफियाओं का आरोप लगाकर झूठे बेबुनियादी निराधार और बढ़ा चढ़ाकर खबर चलाई गई और प्रार्थी की छवि को धूमिल किया जा रहा है, जबकि प्रार्थी ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से प्रार्थी के आत्मसम्मान को काफी ठेस पहुंची है। प्रार्थी का कहना है कि पत्रकारों द्वारा जो भी उसकी छवि को धूमिल करके झूठी खबर चलाई गई उन पर पत्रकारों पर मानहानि का दावा किया जाए और आरोपी शोएब पर भी कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। अगली खबर में करेंगे पत्रकारों के नाम का खुलासा। क्या नाम है? अजहर सईद। आज जो कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी, किसने दी, क्या है? ये अथर अली मेरा भाई है, ये जिसके मैं फेवर में दे रहा हूँ एप्लीकेशन, ये इस पर लगाया गया है आरोप कि ये भूमाफिया है, गुंडा है, बदमाश है। तो ये सरासर गलत है आरोप ये जो भी लगाए गए हैं, और ये बुज़ुर्ग महिला ने जिसने भी एप्लीकेशन इनके खिलाफ़ दी है, और इसके खिलाफ आप जांच कराया जाए। और शोएब इनका लड़का इन्हें धमका कर अपनी माँ से अवैध पैसे की मांग करता है, और इनके खिलाफ अथर अली के खिलाफ एक थाने में भी कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, और आप इसकी जाँच भी करा सकते हैं। कोई और पत्रकारों के खिलाफ भी पत्रकारों ने जो बाइट डाली है या सरासर गलत है, इसके खिलाफ मानहानि का दावा करा जाए। जी जी जी, ये बिल्कुल सरासर गलत है, और इनका लड़का जो है शोएब, वो इन्हें उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कराने की मांग कर रहे हैं। ये बिल्कुल देखिए, मैं ये कहूँगा भाई मेरा भाई है, और दूसरी बात आप मोहल्ले में भी ऐसी बात नहीं है, कहीं भी कुछ भी बात होती है तो ये सबसे आगे रहते हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ोते ही रहते हैं, किसी के भी सुख में दुख में सब में साथ में रहते हैं। तो ये सरासर आरोप जो लगाए जा रहे हैं सब गलत है, बेबुनियाद हैं। हाँ, एक अच्छे इंसान को, जी जी, ये अच्छे इंसान को एक ये बदनाम करने की रंजिश रची जा रही है। मैं नहीं जानता कि क्या क्या मसला है इनका, ये शोएब ये क्यों चार कर रहे हैं, कोई ऐसी मांग नहीं करी गई है उल्टी, और ये और शोएब अपने माँ के लेकर इनसे मांग कर रहे हैं पैसों की इनसे।